अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, नेशनल सेविंग ने 5 अक्टूबर 2022 से प्रॉफिट रेट्स में तकरीबन कमी का ऐलान किया है, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड था। जितनी महंगाई है उसके हिसाब से तो प्रॉफिट बढ़ने चाहिए, बहरहाल उन्होंने प्रॉफिट में कमी का ऐलान किया है और इसका बाकायदा ऐलान उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर कर दिया है और उन्होंने वेबसाइट का लिंक भी दिया है कि जी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि इनके प्रॉफिट रेट्स पिछले 3 माह से वेबसाइट पर अपडेट ही नहीं किए गए हैं। बहुत ही फटीचर सा इनका सिस्टम है, बहुत ही ओल्ड सिस्टम है। तो मुझे डिफरेंट ज़राए से कन्फर्म हुआ है कि जी इनके प्रॉफिट रेट्स अपडेट हो चुके हैं और फिर इनकी जो ट्विटर अकाउंट देखने के बाद अंदाज़ा हुआ कि हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो है वो मैं आपके साथ एक्चुअल रेट हैं वो आज से शेयर करने वाला हूँ कि आपको 5 अक्टूबर से कौन से रेट मिलेंगे और कितनी इसमें कमी हुई है, उसके बारे में भी एंड में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेबोल सेविंग सर्टिफिकेट की, जिसके ऊपर अब आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 13.92%, जिसके हिसाब से आपका महाना प्रॉफिट बनेगा 1160 रुपये, जो कि पहले 1180 रुपये था। याद रखिए, बेबोद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और शुदा वेलफेयर अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है वो बिल्कुल सेम ही होता है, यानी कि तीनों का प्रॉफिट रेट 13.92%, जिसके हिसाब से आपको महाना मुनाफा 1160 रुपये मिला करेगा। उसके बाद बात करेंगे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो फेरा मुनाफा है वो 12.25% है, जिसके हिसाब से आपको 10 लाख के ऊपर 3,18,000 रुपये मिला करेंगे। उसके बाद आगे हम बात करेंगे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की। इसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 12.5060%, जिसके हिसाब से आपका महाना मुनाफा बनेगा 1,050 रुपये। उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट की। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट के ऊपर आपको जो सारा मुनाफा वो 15% है, जो कि हर 3 माह की स्कीम है, जिसके ऊपर अब आपको हर 3 माह बाद 3,750 रुपये मिला करेंगे। उसके बाद बात करेंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो सारा मुनाफा वो 13.20% है, जिसके ऊपर आपको जो मुनाफा शिशमाई बनेगा वो बनेगा 6,400 रुपये। अब यहाँ मैंने आपके सामने एक पिक्चर ओपन की हुई है, यहाँ पे मैंने पिछले रेट्स को भी और अभी के रेट्स को भी मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। तो यहाँ पे देखिए, जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर 14.60% था, पहले 13% था जो कि 1-5 था, और जो लास्ट वाला था उसके ऊपर आपको 14.60% था। लेकिन अब जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर 13% है और आगे वाला 14.20% है, जो कि 14.60% था पहले। तो जो ज़्यादा मतलब हाफ ईयर वाला था उसके ऊपर प्रॉफिट रेट में कमी की गई है, लेकिन जो पहले 1-5 वाले थे, यानी कि तकरीबन 3 माह 6 माह 1.5 साल वाला था, उसके अंदर कोई कमी नहीं की है। लेकिन जो 3 साल वाला है उसके अंदर कमी की गई है, वो 14.60% पे से कम होके 14.20% पे आ चुका है। उसके बाद बात करेंगे स्पेशल सेविंग अकाउंट की। तो स्पेशल सेविंग अकाउंट का भी सेम ही प्रॉफिट था, तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर 10 साल के बाद पहले 3,22,000 रुपये था, अब वो कम होकर 3,18,000 रुपये आ चुका है। ये आप लोग जब वो दे सकते हैं 3,18,000 रुपये, पहले आपको 3,22,000 रुपये मिलता था। उसके बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का पहले भी प्रॉफिट रेट 12.60 था और अब भी इसका 12.60% है, और जो प्रॉफिट रेट है वो 1,050 ही है, जो कि टैक्स कटने के बाद 852 रुपये बनता है। उसके बाद सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट रेट है वो 13.5% है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि जी सेविंग अकाउंट का अभी का प्रॉफिट रेट क्या है। तो अभी भी वो 13.5% ही है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। उसके बाद पेंशनर का भी प्रॉफिट रेट जो है वो 14.16% था पहले, अब वो कम होकर 13.92 हो चुका है, जिसके हिसाब से आपका प्रॉफिट बनता है जी 1160 रुपये। इसी तरह बेबूद का और शोदा वेलफेयर का भी प्रॉफिट रेट बिल्कुल सेम ही होता है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर 3 मंथ के ऊपर पहले आपको 3690 रुपये मिला करते थे, अब आपको 3750 मिला करेंगे। 6 मंथ के ऊपर पहले आपको 7450 मिला करते थे, अब आपको 7520 रुपये मिलेंगे, 70 रुपये का इजाफा किया गया इसके अंदर। और 1 साल के ऊपर 15,040 रुपये थे, अब वो 15,140 रुपये हो गए हैं, तो कुछ 100 रुपये का इजाफा यहाँ पे किया गया है। अगर कुल मिला के देखें तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट है उनको मुकम्मल प्रमोट करने की कोशिश की गई है, बाकी तमाम के प्रॉफिट रेट्स को ऑलमोस्ट जो है वो
कम ही किया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट जो है वो सेम ही है, बाकी बेबूद पेंशनर और शोधा वेलफेयर का जो प्रॉफिट रेट है उसको कम कर दिया गया है, और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की जो 3 साल स्कीम है उसके अंदर भी कमी कर दी गई है। सो ये गाइज आज के लेटेस्ट प्रॉफिट रेट अबाउट नेशनल सेविंग के। इन प्रॉफिट रेट्स के बारे में अगर आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।